हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ मटन की ऐसी रेसिपी जो कि बिल्कुल अलग और यूनिक रेसिपी है, तो जिसको कोई भी बना सकता है, बनाना बिल्कुल ईजी है। तो मैं लेके आई हूँ शिमला वाली मटन, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और आपको बहुत पसंद आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल अलग बन के तैयार होता है मटन। एक बार आप बनाएंगे तो आपका मन बार बार बनाने का करेगा और सभी खाना भी पसंद करेंगे। तो देख सकते हैं, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मटन बनाना स्टार्ट करते हैं, शिमला वाली मटन। तो मटन में हम यूज करेंगे 2 शिमला मिर्च, जिसको हम कट लगा के ले लिए हैं, और 1/2 kg के लगभग प्याज, और 4-5 हरा मिर्च, 4 गांठ लहसुन का, 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसका हम दरदरा पीस के तैयार कर लिए हैं। और तब तक इधर हम कुकर चढ़ा दिए गर्म होने के लिए, और ये मटन हम 1 kg लिए हैं। तो देख सकते हैं इसमें सीना वाला पीस है, कलेजी, चर्बी और नली वाला पीस है, और कुछ खोखस का टुकड़ा भी है। तो इसको पहले हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे, कहीं कोई गंदा ना रहे, बाल वाल रहता है तो उसको आप पहले बीच के निकाल लें। पहले हम अच्छी तरीके से बीचने के बाद इसको हम साफ़ पानी से धो के तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम मटन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, कुकर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तेल हम लगभग 200 ग्राम के बराबर यूज कर रही हूँ। आप और ज़्यादा डालना पसंद करते हैं तो और डालें, नहीं तो इससे कम भी डाल सकते हैं। इधर 2 तेज़पत्ता और 1 चम्मच जीरा ले लिए हैं। तेल गर्म होगा तब हम इसमें डाल देंगे फ़ौरन, जो कि हम जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे। सबसे पहले जीरा तेज़पत्ता पक जाएगा, लाल हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 गांठ लहसुन का टुकड़ा और हरा मिर्च और अदरक का पेस्ट। तो इस सभी को हम डाल दिए हैं और अब हम इसमें डालें प्याज। प्याज डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से चला लिए और अब हम इसमें मसाला यूज कर रही हूँ, जो कि 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर यूज किए, और 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप और तीखा खाना पसंद करते हैं तो और डालें, या नहीं तो कम भी कर सकते हैं, इसीलिए ये ऑप्शनल है, आप जितना डालना चाहते हैं उतना डालें। तो सभी मसाला को डाल दिए, अच्छी तरीके से चला लिए। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 चम्मच नमक हम यूज कर रहे हैं। अब हम डाल दिए 1 टमाटर का टुकड़ा, मटन डालने के बाद इस तरीके से मिर्च 1/2, तब हम इसमें तब तक हम फ्लेम पे 5-5 मिनट तक हम ढक के छोड़ देंगे, और हम इसको मटन को तब तक अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो देख सकते हैं मटन लगने दो,
में भी डाल देंगे। तो मटन भून के तैयार हो चुका है। अब अगर आप भुना मटन खाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं मटन पूरा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे कलेजी का पीस, चर्बी सब खा सकते हैं आप। तो मैं कलेजी का 3-4 पीस निकाल ली हूँ खाने के लिए। अब मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी। ग्रेवी के लिए हम पानी पहले से गरम करके रख लिए थे, और पानी मैं नॉर्मल गिलास से 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिला के हम 4 सीटी लगने तक पकाएंगे। 4 सीटी लग जाएगा, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जब तक अपने आप ना खुल जाए तब तक हम वेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मटन मेरा बनके तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं कलर कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ, टेस्ट भी बिल्कुल अलग बनता है मटन का, शिमला वाली मटन का। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा और घर वाले भी खाना पसंद करेंगे। तो मटन बन गया। अभी हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं। तो अच्छी तरीके से चलाने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट मटन बन के तैयार हुआ है, और ग्रेवी भी इसका कितना अच्छा बना है। तो अब आप रोटी, चावल, नान पराठा के साथ खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करें, और अपना सुझाव कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें कि कैसी लगी ये मटन की रेसिपी। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।